नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं वॉल प्लास्टर के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंफॉर्मेटिव है, वो इसलिए है दोस्तों, अगर आप अपने सपनों का घर बना रहे हो तो ऐसे में आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आप सपनों का घर जब बना रहे हो तो ऐसे में अपने लाइफ की बहुत बड़ी जमा पूंजी जो है अपने घर बनाने में आप लगाते हो। तो ऐसे में अगर आपका घर सही तरीके से ना बने और आपको बार बार खर्चा लगे तो फिर आपको बहुत दुख पहुंचता है। आपने वॉल प्लास्टर करवाया और साल भर के भीतर ही उसमें बहुत सारे क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं, या बहुत सारा क्रैक्स के बाद उसमें वॉल झड़ना या फिर सीलिंग से प्लास्टर झड़ना, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको क्यों होती है और किन बातों का आप ध्यान रखते हो तो आपका वॉल प्लास्टर जो है खराब बिल्कुल नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं। हो सकता है कि ये बातें आपको नहीं पता हो, या हो सकता है आपको ये बातें पता भी हो। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना घर का काम अगर आप करवा रहे हो, सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद उतना ही बोल आप काम करवाते हो ठीक तरीके से, तो इतना गारंटी है दोस्तों आपके घर का वॉल प्लास्टर कभी झड़ेगा नहीं। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो आता है, अगर आप अपने घर को वॉल प्लास्टर करवाने वाले हो, अपने दीवारों को वॉल प्लास्टर करवाने वाले हो, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके दीवारों में ज्यादा एंडुलेशन ना हो। ये बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट है लेकिन बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों अगर दीवारों में एंडुलेशन होगा मतलब कि दीवारें टेढ़ी मेढ़ी होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो दिक्कत आएंगी। ऐसे में क्या होगा, उसमें मोटा प्लास्टर आएगा। कभी भी दोस्तों 20 mm, 15 से 20 mm के बीच से ऊपर का अगर प्लास्टर आता है तो एक बार में प्लास्टर ना करवाएं, इसको दो बार में प्लास्टर करवाएं। इसका बेनिफिट क्या होगा, प्लास्टर आपका झड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं जल्दी, और अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा आपका दीवार के साथ। और ऐसा दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है, जहां पर दीवारें ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो वहां 20 mm से ज्यादा का प्लास्टर आपके दीवारों पर आता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बहुत ज्यादा है, अगर आपका घर कंटिन्यू बन रहा है और कंटिन्यू उसमें क्यूरिंग हो रही है तब तो कोई बात नहीं। अगर क्यूरिंग नहीं हो रही है आपकी दीवार पे तो दोस्तों, और बहुत टाइम से सूखा पड़ी है दीवारें, तो वहां पे आपको प्लास्टर करवाने से हफ्ते भर पहले से ही दीवारों पर क्यूरिंग करवा देना स्टार्ट कर देना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप अपना घर का प्लास्टर करवाओगे, जो भी मसाला बनता है प्लास्टर करवाने टाइम पे, तो वो उस मसाले का आपकी दीवार का बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। अगर आप दीवारों पर क्यूरिंग नहीं करवाओगे तो उसका घाटा क्या होगा कि जो भी प्लास्टर का मसाला है जब आप लगाओगे दीवार पे तो उस प्लास्टर के मसाले में जो भी पानी होगा वो दीवार सोख लेगा। जब दीवार वो सोख लेगा पानी, तो ऐसे में क्या होगा, आपका प्लास्टर जो है का मसाला जो है वो अच्छी मजबूती आपके दीवार साथ नहीं बना पाएगा, और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो क्रैक्स आना, दीवार फटना, मतलब आपकी प्लास्टर फटना और दीवारों से झड़के गिरना, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इस पॉइंट का ध्यान नहीं रखते हैं लेकिन बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या करते हैं लोग कि अपना प्लास्टर करवाने वाले हैं तो 2 घंटे पहले हल्का सा पानी मार दिया, घंटे भर पहले, या फिर ठीक प्लास्टर करने से पहले हल्का सा पानी मार दिया, दीवार गीली कर ली और साथ में प्लास्टर मारना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आप दोस्तों इसमें अगला पॉइंट यह आ जाता है कि अगर आपने दीवार की आप प्लास्टर करवाने वाले हो उसमें धूल मिट्टी बिल्कुल भी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपकी दीवार जो है गंदी नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि हम ऐसे में अपने प्लास्टर वर्क करवा लेते हैं लेकिन हमारा क्या, दीवारों पे मिट्टी लगी रह जाती है काफी बार। अगर हम ब्रिक वर्क करवाते हैं उस टाइम पे ध्यान नहीं देते, ब्रिक वर्क करवाते टाइम पे दीवार पे मिट्टी लग जाती है, या मिट्टी फिलिंग करवाते हैं उस टाइम पे दीवारों पर नीचे साइड में मिट्टी लगी हुई रह जाती है, और ऐसे में जहां जहां आपकी मिट्टी लगी हुई रह जाएगी तो वहां वहां पे आपका प्लास्टर जो है गारंटीड वो जो है उखड़ेगा उखड़ेगा और खराब होगा ही होगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप प्लास्टर करवाने वाले हो तो उस दीवार का जरूर ध्यान दें, जिस दीवार पे आपका प्लास्टर हो रहा है तो उस दीवार पे आपका थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, दीवार गंदी नहीं होनी चाहिए, दीवार साफ सुथरी होनी चाहिए और दीवार में अच्छी तरीके से क्यूरिंग होनी चाहिए। अगला पॉइंट इसमें आता है दोस्तों सीमेंट का घोल। बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट है ये। जिस दीवार पे, जिस रूम में आप प्लास्टर करवाने वाले हो, प्लास्टर करवाने से पहले, ठीक पहले, उस दीवार पे आपका सीमेंट का घोल जरूर लगना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो भी प्लास्टर का मसाला है और दीवार के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बनती है, मतलब प्लास्टर का मसाले को दीवार अच्छी तरह से पकड़ लेता है, और ऐसे में दीवार झड़ के गिरने की संभावना ना के बराबर रह जाती है और प्लास्टर जल्दी खराब नहीं होता है। सीमेंट का घोल ना तो बहुत ज्यादा मोटा होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। अब यहां पर बात आ जाती है सीमेंट का घोल जो है आपका यहां पर कॉलम और साथ में दीवार पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, या फिर कंक्रीट से जुड़ी हुई जो भी आपका
ब्रिक वर्क है उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा, बट साथ में यहाँ पे सूखा सीमेंट, खासकर कंक्रीट और दीवार जहाँ पे जॉइंट है वहां पे आपका सूखा सीमेंट जरूर लगना चाहिए आपका कंक्रीट वाले जगह पे। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि ये सेम बात कि बॉन्डिंग अच्छी होगी प्लस्तर के मसाले की आपके दीवार के साथ और कंक्रीट वाले मसाले के साथ, या कंक्रीट वाला जो भी सरफेस है आपका, चाहे वो आपका बीम है चाहे वो आपका स्लैब है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इसको याद रखना और इसको लग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखा गया है कॉलम के पास, बीम जॉइंट्स के पास, वहां पे आपका क्रैक जरूर आता है दीवार और कॉलम के बीच में, या फिर स्लैब और जहां पे दीवार जुड़ रही है वहां पे आपका क्रैक जरूर आता है। तो ऐसे में क्या करें, जब भी आप प्लस्तर करवा रहे हैं तो वहां पे प्लस्तर करवाने से पहले 8 इंच की मुर्गा जाली जरूर लगवाएं, और साथ में और जहां जहां पे आपका बिजली के पाइप का काम होता है वहां पे क्या किया जाता है, दीवारों को काटा जाता है, झर्री काटी जाती है और वहां पे प्लास्टिक के पाइप लगवा जाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत मसाले से भरा जाता है, बहुत बार तो मसाले से भरते भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको जहां जहां से ऐसा काम हुआ है, बिजली का वर्क हुआ है, वहां वहां पे 8 इंच की मुर्गा जाली आपको जरूर लगवानी है पाइप के पास, और ऐसे में उन सभी जगहों पे जहां जहां से वो पाइप गुजर रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा, दीवार का और आपके मसाले का, जो भी आपका प्लस्तर का मसाला है, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, और साथ में ऐसी जगहों पर जहां जहां से पाइप गुजर रहा है या फिर आपका कॉलम है या फिर जहां से आपका स्लैब और वॉल की जॉइंट है वहां पे आपका क्रैक आपका गलती से भी नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखें। दोस्तों आपको अगला पॉइंट क्या करना है कि आपको दीवार पे प्लस्तर करवाने से पहले लेवल का निशान देना है। लेवल का निशान देने से क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको क्या थिकनेस होनी चाहिए आपके वॉल प्लस्तर की, ये आपको पता लग जाता है। एक्चुअल में अगर उस लेवल के निशान से ऊंचा जाता है आपका प्लस्तर तो आपके दीवार पे मोटा प्लस्तर हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात कि आपके घर के अंदर का जो प्लस्तर है उसके जो थिकनेस है उसकी थिकनेस वो आपकी 12 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम चल जाएगी, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो आपकी छत का जो प्लस्तर का थिकनेस है वो आपके 10 mm से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, प्लस आपके आउटर वॉल की जो भी थिकनेस है, आउटर वॉल की जो प्लस्तर की थिकनेस है वो आपके 15 से 20 mm के ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर बात आ जाती है कि इसमें रेशियो क्या होना चाहिए मसाले का, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आपका रेशियो क्या होना चाहिए। आपके घर के अंदर जब आप प्लास्टर कर रहे हो तो वहां पे आपका रेशियो 1:6 का चल जाएगा, मतलब एक सीमेंट और 6 आपका रेती चल जाएगा। अगर घर के बाहर का और छत का अगर आप प्लास्टर करवा रहे हो तो वहां आपका रेशियो होना चाहिए 1:4 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉइंट है। अब अगला पॉइंट दोस्तों इसमें आता है कि हमें कौन से सैंड का यूज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत लोगों की कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से बालू का यूज करें प्लस्तर करने के लिए, रिवर सैंड करें या क्रश सैंड करें। तो यहां पर दोस्तों आपको क्रश सैंड का यूज करना है, लेकिन आपको ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए होती है, तो वहां पर आप क्रश सैंड के साथ साथ रिवर सैंड को मिक्स करके यूज कर सकते हो। प्लस दोस्तों जब भी आप प्लस्तर करवा रहे हो तो ऐसे में आपका बालू कितना भी अच्छा हो, मतलब रेत जो सैंड जो है वो कितना भी अच्छा हो, उसको छानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको इसमें सिल्ट का टेस्ट जरूर करना है। सिल्ट क्या होती है, मतलब कि आपके बालू में कितनी मिट्टी मिली है, 6% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको जांचना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि आप लैब में ले जाके ही जांच सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर पर्टिकुलरली एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपके बालू में कितना सिल्ट है, आप तो पता करके उस हिसाब से आप अपने प्लस्तर में उस सैंड को यूज कर सकते हो। अगर 6% ज्यादा सिल्ट है, मतलब उसमें 6% ज्यादा मिट्टी मिली हुई है, तो फिर दोस्तों ऐसे में वो सैंड आपके दीवारों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ऐसा बालू आपकी दीवार को खराब कर देगा, आपके प्लस्तर को खराब कर देगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और ऐसे में ऐसे बालू को, ऐसे प्लस्तर को मत ना करवाएं, यूज ना करें। प्लस्तर करने में कौन से सीमेंट का यूज करें, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों यह भी अक्सर पूछा जाता है कि हम प्लस्तर करने में कौन से सीमेंट का यूज करें। तो ऐसे में प्लस्तर करने में आप PPC सीमेंट यूज कर सकते हो,
पोर्टलैंड पोजलेना सीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट है। और इसमें साथ में आप 33 ग्रेड का सीमेंट यूज कर सकते हो, इनफ है 33 ग्रेड का सीमेंट आप इसमें यूज कर सकते हो और ये बहुत अच्छी मजबूती और बहुत अच्छी बॉन्डिंग देता है। 33 ग्रेड का सीमेंट और पीपीसी सीमेंट ये आपको किसी भी ब्रांड में किसी भी कंपनी में मिल जाएगा, सभी ब्रांड सभी कंपनी में अवेलेबल होता है। एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप जो भी सीमेंट यूज कर रहे हो वो 90 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 90 दिन से अगर वो पुरानी है तो उस सीमेंट को बिल्कुल भी यूज ना करें, ऐसे में वो सीमेंट बहुत ही खराब हो जाती है और वो सीमेंट आपकी दीवार के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट है कि आपका जब आप कॉलम है या फिर ऐसा कोई भी पार्टिकल जो भी आपका कंक्रीट से बनता है, जैसे कि स्लैब हो गया या कॉलम हो गया या बीम हो गया, तो इसमें आपका टक होना बहुत जरूरी है। अभी टक क्या है, इसमें हल्के हल्के से हम गड्ढे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो मसाला है प्लस्तर का वो अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा। होता क्या है, हमारा जो कॉलम हो गया या बीम हो गया या छत का स्लैब का जो हमारा कंक्रीट होता है वो बहुत ज्यादा मुलायम बहुत ज्यादा प्लेन सरफेस होता है, ऐसे में प्लेन सरफेस होने के कारण बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती है। और ऐसे में अक्सर देखा गया स्लैब का जो प्लास्टर है वो झड़ता इसी कारण से है कि उसमें टक नहीं बनाया जाता है। इसका भी एक, इसको कितने टक होना चाहिए, एक स्क्वायर मीटर में आपका 300 टक कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं इससे ज्यादा चलेगा। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब ऐसा तो हो जाता है कि आपको एक्सटर्नल वॉल पे जब आप प्लास्टर करवा रहे हो तो वहां पे आपको वहां पे आप ग्रूव कटवा सकते हो। ये ग्रूव कटवाना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रूव कटवाते हो तो उसमें आप दीवार पे आप 5 इंची 8 इंची 9 इंची के बाद ये ग्रूव कटवा सकते हो, मतलब एक लाइनिंग डलती है। उस लाइनिंग डलने से बेनिफिट क्या है कि आपकी दीवार पे अगर क्रैक आ रहे हैं, खासकर ये एक्सटर्नल वॉल पे लोग करवाते हैं और करवा सकते हैं दोस्तों, और करवाना चाहिए आजकल के टाइम पे, खासकर इसको कॉलम के पास करवाते हैं लोग क्योंकि वहां पे अक्सर क्रैक आने की संभावना ज्यादा होती है। बीम के पास करवाते हैं, नहीं तो आप पूरी दीवार में करवा सकते हो 5 इंची 6 इंची 8 इंची 9 इंची पे, आप कितने भी डिस्टेंस पे करवा सकते हो 5 इंची के बाद। और ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके दीवार पे जिस जगह पे क्रैक आया है तो एक ग्रूव में रह जाएगा, एक ग्रूव से दूसरे ग्रूव में नहीं जाएगा, और ऐसे में वो पूरी दीवार आपकी खराब नहीं होगी, पूरी दीवार आपको देखने में खराब नहीं लगेगी। जिस जगह पे आया है आपका क्रैक, आप उतनी जगह पे आप रिपेयर करके आप अपने से अपना काम चला सकते हो। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपका जो भी मसाला आप यूज करते हो प्लस्तर करवाने में या प्लस्तर करने में, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कभी ना बनाएं। ऐसा ना करें कि सुबह मसाला बना लिया और वो मसाला आपका शाम तक चल रहा है। प्लस्तर का मसाला सिर्फ उतना ही बनना चाहिए कि जो आपका 45 से 1 घंटे के अंदर यूज हो जाए, 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर, ज्यादा ज्यादा दोस्तों 1.5 घंटे के अंदर यूज हो जाना जाए। अगर इससे ज्यादा वो मसाला चलता है दोस्तों वो मसाला खराब हो चुका है, ऐसा मसाला आपका दीवार से प्लास्टर निकलेगा ही निकलेगा। और दोस्तों साथ में अगर आप वो मसाला यूज कर रहे हो, ऐसे में क्या होगा, उस मसाले में वो मसाला सूख जाएगा। टाइम टाइम पे आप उसमें पानी मिलाते रहोगे, पानी मिलाकर उसको ठीक करते रहोगे मसाला को, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, उस मसाले को आपको यूज नहीं करना है। और साथ में अगर आप किचन में बाथरूम में आगे फ्यूचर में चल के टाइल वर्क या फिर कुछ ऐसा वर्क करवाना चाहते हो, फ्लोरिंग करवाना चाहते हो, टाइल वर्क करवाना चाहते हो, तो वहां पे आप उस प्लास्टर को आप खुरदरा रखने के लिए आप रफ प्लास्टर करवा सकते हो, करनीछा प्लास्टर करवा सकते हो, ऐसे बहुत सारे काम जो है जो कि आपको फ्यूचर में काम देंगे। तो ये दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है मैं उनका लिंक आई बटन में दे दूंगा, वीडियो के एंड में दे दूंगा। प्लस दोस्तों हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप उन प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेक कर सकते हो जो कि आपके घर बनाए टाइम पे आपको काम आएगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद हमें